हेलो दोस्तों, मैं केदार आनंद, नए सोच नए सपने में आप सभी का स्वागत है। ये पब्लिक स्पीकिंग का 5वां वीडियो है जो बहुत खास होने वाला है। आप देखते रहिए वीडियो को लास्ट तक, ले देखें और लाइक कमेंट करें। तो देखिए दोस्तों कि इसका टॉपिक है हाउ टू जनरेट आइडिया। अब जैसे कि पब्लिक स्पीकिंग कर रहे हैं तो कहीं भी अगर जाते तो उसके बारे में, जैसे एक जो स्पीकर होता है, पब्लिक स्पीकर होता है, उसको हर एक क्षेत्र से नॉलेज होनी चाहिए, हर एक क्षेत्र में नॉलेज होना। तो वो आइडिया जनरेट कहाँ से होगा? तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि आप अपने पास हमेशा डायरी और पेन रखें। डायरी पेन रखने से ये होगा कि आप क्या कि दिन भर में, क्योंकि दिन भर में बहुत सारे थॉट हमारे पास आते हैं और यूं ही चले जाते हैं, क्योंकि हम लोग तो राइट डाउन नहीं करते हैं, जिसके कारण वो मैक्सिमम चीज चला जाता है। तो अब जब आप जो भी आइडिया आता है उसको राइट डाउन करें, अच्छे या बुरे आइडिया, जो भी आइडिया है वो उसको राइट डाउन करें, हमेशा राइट डाउन, हमेशा यू कैरी पेन और डायरी, हम ऑलवेज, तो हमेशा कैरी कीजिएगा। तो इससे होगा क्या कि आपको बहुत सारा बेनिफिट होगा। आपको दिन भर में कैसा कैसा आइडिया आया, किस प्रकार के आया, तो आप उससे बेनिफिट उठा सकते हैं। उसके बाद उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं, जो आइडिया है उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं कि हाँ, इसमें कौन सा मेरे लिए बेनिफिशियल और मेरे लिए कौन सा वेस्टेज है। तो हर एक आइडिया, क्या कि पब्लिक स्पीकर को हर एक क्षेत्र में के बारे में बहुत सा अच्छी जानकारी होनी चाहिए, इसीलिए तो आइडिया और कहाँ से लाए, इमेजिनेशन कर सकते हैं। क्या कि एक पब्लिक स्पीकर को हर एक स्टेज, हर एक जगह बोलना होता है, तो वो हर एक व्यू से सोचना पड़ेगा, इमेजिनेशन करेगा। अगर बाय द वे स्कूल में बोलना है तो कैसे बोलेंगे, कॉलेज में बोलना है तो कैसे बोलेंगे, किसी पब्लिक प्लेस पर बोलना है तो कैसे बोलना है, किस टॉपिक्स पे, तो इमेजिनेशन करना है। कि अगर बाय द वे अभी ये कभी कह सकते कि मैं हजारों लाखों लोगों के बीच में कैसे बोल सकता हूँ, कैसे अपने आप को इंट्रोड्यूस कर सकता हूँ, तो हर जगह इंट्रोड्यूस करने का तरीका अलग अलग होते हैं। तो इस तरह से इमेजिनेशन करके आप अपने आप को बेहतर कर सकते हैं। नेक्स्ट है टॉक टू अदर से, कुछ अगर जिस टॉपिक पर आप जा रहे हैं तो वो दूसरों से बात करें उस टॉपिक पे, हर हमेशा किसी किसी टॉपिक पर लोगों से बात करें, इससे वहाँ से आपको आइडिया मिलेगा जो आपको बेहतर उस जगह पर, एक ही आइडिया आपको बेहतर बेहतर कर सकता है। क्या कि एक पब्लिक स्पीकर को बेहतर नॉलेज होना चाहिए और उसको हर एक पब्लिक के क्वेश्चनों का आंसर होना चाहिए और पब्लिक के बातों को समझना, पब्लिक के माहौलों को समझना, पब्लिक के मनों के भावों को समझना होता है। तो इसीलिए जो भी अगर बाय द वे कि और टॉपिक के बारे में तो लोगों को उसके बारे में टॉपिक से डिस्कस कर सकते हैं, तो उससे आपको आइडिया जनरेट हो। नेक्स्ट है रिसर्च कर सकते हैं, आपके पास यूट्यूब हो, यूट्यूब है, सबसे बड़ा गुरु तो गूगल, आप गूगल से पूछ सकते हैं किस टॉपिक के बारे में, वो बहुत सारा आइडिया जनरेट कर देगा, तो आपको पास हो जाएगा, जैसे आपके खुद का आइडिया, फिर ऑब्जर्वेशन, फिर इमेजिनेशन का आइडिया, फिर दूसरे लोगों से बात करेंगे उसका आइडिया और एक गूगल का आइडिया, ये चारों पांचों मिलाकर आपको जो आपके पास जो आइडिया कंटेंट तैयार कर, क्या कि कभी भी आप कभी भी स्पीकिंग करने जाएंगे, कभी भी पब्लिक स्पीकिंग, कभी भी स्टेज पर जाते हैं तो आप फुल प्रिपरेशन के साथ जाते हैं, तो आपको वहाँ पे हर चीज़ के बारे में पूरा पाँचों में से कैलकुलेशन निकल, वो आपको बहुत अच्छा होगा। आप उसका नोट्स बना के बेहतर बन सकते हैं और उसका प्रैक्टिस करके आप बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं। और हमेशा ये ध्यान रखिए कि जब हम पब्लिक स्पीकिंग स्टार्ट करते हैं तो स्टार्टिंग का तरीका क्या होना चाहिए, क्लोजिंग कैसे किया जाए, क्या कि स्टार्टिंग और क्लोजिंग बहुत महत्वपूर्ण होता है, स्टार्टिंग क्लोजिंग पर ही डिपेंड होता है पूरा चीज़, क्योंकि स्टार्ट बीच में का कुछ शब्द लोग भूल जाते कुछ बातें, लेकिन स्टार्टिंग एंड क्लोजिंग, क्लोजिंग जैसा इफेक्टिव इफेक्टेड हो उस तरह से आपका परफॉर्म, आपको लोग याद करेंगे। तो इसीलिए दोस्तों आप इन सारी चीज़ों को ध्यान रख के आप अपने पब्लिक स्पीकिंग को बेहतर से बेहतर बना सकते हैं।
इस वीडियो तक अभी तक बने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद।